देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भतीजी का पर्स छीनकर भागने वाले झपटमारों में से एक पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अरेस्ट हुए झपटमार का नाम नोनू है और उसके पास से पीड़िता दमयंती बेन के पर्स और मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए गए। आपको बता दें कि शनिवार को एलजी हाउस से चंद कदमों की दूरी पर गुजराती समाज भवन गेट के सामने दमयंती बेन पीएम के भाई प्रहलाद मोदी की बेटी को बदमाशों ने लूट लिया था। दमयंती बेन परिवार के साथ पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से ऑटो लेकर पहुंची, तभी सामने से एक सफेद रंग की स्कूटी में आए दो स्नैचर उनके हाथ से पर्स छीनकर फरार हो गए। दमयंती बेन के बैग में करीब 56,000 रुपए, दो मोबाइल फोन के अलावा पैन कार्ड और अन्य जरूरी कागजात थे। इसके बाद सिविल लाइंस पुलिस ने केस दर्ज कर आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में ले ली। जिसके बाद स्कूटी सवार बदमाशों की पहचान की गई और देर रात तक पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई। सिविल लाइंस की टीम और उसके अलावा स्पेशल स्टाफ की टीम भी हमारी काम कर रही थी, तो एक को पकड़ने में सक्सेसफुल रही है। गौरव एलियस दोनों है, ये 21 साल का है और इससे जो हमारी केस प्रॉपर्टी थी इनका कैश सारा 56,000, दोनों मोबाइल रिकवर हो गए हैं, जो स्कूटी इन्होंने यूज की थी कल स्नैचिंग में वो भी रिकवर कर ली गई है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स थे उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी रिकवर हो गए। इसका क्या प्रोफाइल है जो ये जैसा कि मैंने बताया कि 21 साल की इसकी उम्र है और अभी इसकी जो प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है एक झगड़े की हमें ऑलरेडी पता चली है कि एक इसकी झगड़े की इन्वॉल्वमेंट है, बाकी इन्वॉल्वमेंट्स इसकी अभी हम चेक कर रहे हैं। दूसरा एक्यूज के बारे में कौन है? दूसरा एक्यूज बादल नाम का एक इसका साथी है, उसकी भी एज लगभग इसके सेम है, 21-22 साल तक जो पता चला है, और वो सुल्तानपुरी का रहने वाला है। इसकी जो हमें स्कूटी भी रिकवर की है इनकी, इसकी एक आंट है, बेसिकली मौसी है नोनू की, वो सुल्तानपुरी में रहती है। स्कूटी इसने बताया हमें कि वहां खड़ी करी हुई है तो वहीं से रिकवर हुई है। दूसरा इसका साथी भी सुल्तानपुरी से। मैम सुल्तानपुरी से दूर तक के लोग स्नैचिंग करने आते थे, मतलब थोड़ा सा अजीब है वहां। देखिए इसकी पैदाइश सदर बाजार की है, लड़का यहाँ बेसिकली टोपोग्राफी से कहते हैं फेमिलियरिटी थी इसकी, इसलिए शायद इसको कहते हैं कि ये एरिया इसने चूज किया होगा। नबी गली में कहां से हुआ था? इसकी अरेस्ट हमने सोनीपत से की है, ये बेसिकली वहां पे इसकी एक रिलेटिव रहती थी, वहां चला गया था, सोनीपत से हमारी टीम ने इसको अरेस्ट किया। बादल अभी अरेस्ट नहीं हुआ? बादल, बादल अभी हम उसको ढूंढ रहे हैं, होपफुली जल्दी सक्सेस करनी चाहिए। क्या बताया मैंने पूछताछ में, कैसे इसने टारगेट किया, क्या किया, क्या पहले भी इस तरह का इंसिडेंट दिया था या क्यों ऐसे किया था? देखिए ये इसकी जैसे मैंने बताया कि इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड तो है, एक केस में इन्वॉल्व मिला है ये झगड़े के केस में, प्लस बाकी की चीजें जो इसका एक बार साथी मिल जाएगा तो हम कॉरोबोरेट करेंगे क्या इन लोग का रहता था। कल जो अभी तक इसने बताया कि इसने कुछ ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर पहले इनको स्पॉट कर लिया था, जैसे ही इनको मौका यहाँ पे मिला इन लोगों ने उस कंप्लेनेंट का पर्स छीन लिया। मैडम स्कूटी के साथ क्या हेलमेट वगैरह भी रिकवर हुए? क्या ये हेलमेट पहने हुए थे या पूरे रास्ते जब आए हैं और गए हैं इनके पास हेलमेट नहीं? जो सीसीटीवी फुटेजेस हमें कल मिली उसमें इन लोगों ने हेलमेट नहीं पहना हुआ। मैम ये अपने आप में सवाल है कि बिना हेलमेट के सुल्तानपुरी से आए, कोई पकड़ा रास्ते में, कोई चेकिंग हुई इतने हाई प्रोफाइल एरिया में? देखिए जनरली हमारे ट्रैफिक की यहाँ पे हमेशा एक कहते हैं कि अवेलेबिलिटी रहती है, ट्रैफिक का स्टाफ लगा रहता है, कल बाय चांस एक कह सकते हैं कि ट्रैफिक का स्टाफ हमारा अवेलेबल नहीं था। जनरली यहाँ का एक कंप्लायंस रेट सिविल लाइन्स का काफी हाई है, बात नहीं क्योंकि सुल्तानपुरी से यहाँ तक का सफर तय किया, उसमें कई टिकट पड़ती है। सुल्तानपुरी ये इंसिडेंट करके गया, ये बेसिकली यही एरिया में जैसे मैंने बताया कि इसकी पैदाइश सदर बाजार की है, कभी कभी नबी करी में भी ये रहता है तो आसपास ही था। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ।
आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।